See you after very long, long time. Challenges in the last 6-7 months, तो आप मेरा सेटअप देख के तो समझ ही गए होंगे. आज मैं करने जा रही हूँ living in my kitchen for 24 hours challenge. मैं पागल हूँ. सिबू भी मेरे साथ ही चैलेंज करेगा. रहेगा ना किचन में मेरे साथ? हाँ. नहीं. अब आपको जल्दी से इस चैलेंज के रूल्स बता देती हूँ. रूल नंबर वन, किचन में कहीं से भी कॉकरोच निकले, कुछ भी निकले, मैं बाहर नहीं भाग सकती हूँ. रूल नंबर टू, मैं सारा खाना आज खुद ही पकाऊंगी पूरा दिन भर. यस, बाहर से मैं कोई खाना नहीं मंगा सकती हूँ. इसका मतलब है मुझे बार बार बर्तन भी धोने पड़ेंगे. अरे कहना क्या चाहते हो? सिंक अभी फिलहाल तो खाली है, लेकिन अगर यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हुए तो मुझे यहाँ रहने में प्रॉब्लम होगी, स्मेल आएगी, है ना शिम्बू? बर्तन भी खुद ही साफ करने पड़ेंगे. Oh, no. और रूल नंबर थ्री, वॉशरूम एक ब्रेक अलाउड है. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जब आज से मैंने 2-2.5 साल पहले अपना हाउस टूर बनाया था ना, तो आप लोगों ने पूछा था आपने अपनी किचन तो दिखाई नहीं, किचन का टूर क्यों नहीं कराया? उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं. मेरी जो किचन है वो मेरे घर का सबसे इग्नोर्ड पार्ट थी. मैं इसमें बहुत कम आया करती थी, लेकिन थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू माय चैलेंजेस, पिछले कुछ महीनों से इस किचन में मेरा आना जाना, खाना पकाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. आई नो इट्स फॉर द गुड. तो चलिए इसी बात पे आज मैंने डिसाइड किया कि फाइनली आपको अपने किचन का टूर करा ही देती हूँ. बहुत सारी प्रॉब्लम एरियाज है मेरे इस किचन में, इग्नोर कर देना. मेरे बहुत सारे वीडियोज में आपने मेरा फ्रिज तो देखा ही होगा, लेकिन जो नहीं देखा है वो है फ्रिज के पीछे. ये चीज है जो मैं हमेशा छुपा देती हूँ, छाता और झाड़ू. ओके, झोल नंबर टू. आप लोग पूछते हो कि ये जो बोर्ड है ये मैं किचन में क्यों लगाती हूँ, आज दिखा दूँ इसके पीछे का सच. ऑलराइट, 1, 2 and देखो यहाँ पर टाइल का क्या हाल हुआ हुआ है. कैसा लगा मेरा मजाक? ये रेंटेड हाउस है और यहाँ की जो अलमारियां है ना, ये मॉड्यूलर किचन की अलमारियां नहीं है, बहुत ही नॉर्मल वाली अलमारियां हैं. दिखाती हूँ अंदर कैसे सामान रखा है. सिम्बू हट जाओ जरा थोड़ा सा बेबी, थैंक यू, जज मत करना. हाँ देखो कैसे अखबार लगा लगा के उसके ऊपर सारा सामान जचा रखा है इन दो सेक्शंस में. सो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये है सारे किचन इक्विपमेंट्स का सेक्शन. ठीक है, काफी सामान इकट्ठा कर लिया है मैंने चैलेंजेस करते करते. ये सारा राशन, जितने चैलेंजेस में मैं एक्स्ट्रा सामान लेकर आती हूँ ना, मुझे ऐसे ही शव करना पड़ता है. हाँ? और ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे मेहमानों के लिए मैंने इमरजेंसी किट बना रखी है, एक चाय की और एक डिनर सेट की. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू दिस वन नाउ. यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में मेरी सारी की सारी सॉसेस और स्पाइसेस रहते हैं, और क्योंकि मैं अचार और चटनी की इतनी शौकीन हूँ तो ऊपर का सेक्शन उस चीज के लिए है. यहाँ पे हैं दालें और मसाले, और ऊपर इन सब में अलग अलग टाइप के आटे रखते हैं हम लोग. और हमारी खिड़की से बाहर का नजारा दिखाती हूँ आपको किचन से, वो देखो कितना सुंदर स्विमिंग पूल नजर आता है. देखा, लेकिन बाहर से आवाज भी आती है शूट करते हुए, इसीलिए खिड़की हमेशा बंद रखनी पड़ती है. आज हवा खाने के लिए बाद में खोल लूंगी. ये है मेरी कैंगन वाटर की मशीन. यहाँ पे नीचे हम लोग कांच के ग्लास रखते हैं पानी पीने के लिए. और ये है डेली के यूज के बर्तनों का सेक्शन. इसमें रहते हैं कुकिंग के बर्तन. डस्टबिन भी बड़ा खास है हमारा. हाँ, इसके अंदर वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग देना पड़ता है, वरना कचरा भी नहीं दे सकते. ये पूजा का आला है. आखिरी चीज, ऊपर देख लो पंखा भी लगा रखा है किचन में, ताकि ज्यादा गर्मी ना लगे. कैसी लगी आप लोगों को मेरी किचन? हाँ, wow. 5 minutes later. And guys, now it's time to do some workout inside the kitchen on my new cross trainer. देखा कभी किसी को किचन में वर्कआउट करते हुए? मेरे चैलेंजेस में मैं ही करती हूँ ऐसे काम.
A few inches later. Workout done. Friends, मैंने अपने overall quality of life को improve करने के लिए ये cross trainer लिया है. You know, to have a good quality of life, तीन चीजें बहुत matter करती हैं. Our physical health, our psychological health and our environmental health, which is our financial stability, safety, etc. होता क्या है ना, हम अपने काम के पीछे, finances के पीछे भागते भागते कई बार अपनी health को ignore कर देते हैं. हम पहले जितना active रहते थे उतना active नहीं रहते. दिन खत्म होते होते थकान हो जाती है, energy level down हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने hobbies और interest को भी pursue नहीं कर पाते. Protein X ने एक quality of life assessment tool design किया है, जिससे मुझे पता चला what is lacking in my lifestyle to have the best quality of life. Friends, ये है मेरा quality of life score, which clearly suggests कि मुझे अपने eating pattern को ठीक करने की जरूरत है, मुझे अपने diet में protein intake बढ़ाने की जरूरत है, you know, to build strength, to improve my body composition, to boost my immunity. साथ ही exercise तो आप लोगों को पता ही है कितनी important होती है. क्रॉस ट्रेनर मैंने ले लिया है, कई बार वर्कआउट मिस हो जाता था, बट नॉट एनी मोर. ये सब मेरे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने में मेरी हेल्प कर रहा है. फ्रेंड्स, आप भी प्रोटीन एक्स का ये क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट टूल यूज कर सकते हो और अपने QOL के बारे में जान सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देखो, रिजल्ट जो भी आए उस पे ध्यान देना और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करना. मैं तो अभी से शुरुआत कर रही हूँ मेरे ब्रंच से. यस, आई एम गोना मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटीन रिच रेसिपी व्हिच इज कॉल्ड मूंगलेट. सो फ्रेंड्स, मूंगलेट बनाने के लिए देखो कितनी सारी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं. चार पांच टाइप की तो सब्जियां हैं और साथ ही ये मूंग दाल मैंने भिगा दी थी, इसे अब मुझे पीसना है. ये सारी सब्जियां काटने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा? क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भूल ही गई. मैं लिविंग इन द किचन फॉर 24 आवर्स चैलेंज कर रही हूँ. मुझे कौन सा बाहर जाना है, आधा घंटा लगे चाहे पौना घंटा लगे. ये सारी सब्जियां काटती हूँ, इसे पीसती हूँ और फिर अपना ब्रंच बनाती हूँ. सी यू इन अ बिट. वन इटर्निटी लेटर. सो फ्रेंड्स, मैं ये मूंगलेट पहली बार बनाने जा रही हूँ. इट्स अ वेरी पॉपुलर रेसिपी, आई होप अच्छे से बन जाए. ये क्या किया मैंने, तो ये मूंगलेट की जगह मूंग का हलवा बन जाएगा विद वेजिटेबल्स. कोई और ऑप्शन नहीं है खाने का, भूख लगी है बहुत जोर की. रेडी हूं मैं अपना टूटा फूटा मूंगलेट खाने के लिए. वाओ, यम्मी. ठीक है, शेप उतनी अच्छी नहीं बनी पर टेस्ट में सही है. आपको नहीं दे सकते, बहुत गर्म है. A little longer than a few minutes later. Guys, brunch khatam. लेकिन मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ? मुझे अब टेंशन आ रहा है उनका. इतने सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे. एक डिश बनाने में मैंने इतने बर्तन यूज कर लिए. समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है. I'm so stupid. मैं ना अब शाम तक वन पॉट मील बनाने की कोशिश करूंगी जिसमें मुझे इतने सारे बर्तन साफ ना करने पड़े. हाथ पोंछ लेती हूँ अपने टॉवल से. अरे, मैंने आज तो आप लोगों को अपनी वार्डरोब दिखाई ही नहीं. यहाँ पे किचन के थैले और किचन का सामान लटकता है, लेकिन आज यहाँ पे मैंने अपने कपड़े और अपना एसेंशियल सामान लटका दिया है. गाइस, अभी तक का तो मेरा सारा काम खत्म हो गया है. अब मैं आगे सोच रही हूँ कि किचन का थोड़ा सा फेस लिफ्ट किया जाए. क्या कहते हो, कुछ सामान मंगवाया है, देखना चाहते हो? नहीं. लगता है सिंबू जी को पता चाहिए अनबॉक्सिंग होने वाली है सामान की. आ गया मेरा बेबी, चल चलो हमारे पैकेट्स खोलते हैं. वाओ, फ्रिज मैग्नेट, कितने अच्छे हैं ना.
एंड फ्रेंड्स अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक प्यारी सी नैप ले लूं। रात को देखो अगर कॉकरोच वॉकरोच निकले ना तो पता नहीं मेरी नींद होगी पूरी कि नहीं होगी, बट दिन के टाइम में तो किचन में कॉकरोच नहीं आते हैं इतना तो मुझे पता है, इसीलिए मैं अब अपना गद्दा लगा रही हूँ और थोड़ा आराम फरमा रही हूँ। मिलेंगे शाम को चाय के टाइम पे, ओके? 3 hours later. गुड इवनिंग गाइज, सिम्बू भी आके मेरे पास यहाँ पर सो गया था, इसने भी मस्त नैप करी। इसका वॉकी वॉकी जाने का टाइम है और मेरा चाय पीने का टाइम है। ओह नो, बाहर बारिश हो रही है, तुम तो आज वॉकी वॉकी भी नहीं जा सकते हो। हटो, गद्दा हटाना है, चाय बनाना है। फ्रेंड्स यहाँ मेरी चाय बन रही है और बाहर बहुत जोर की बिजली कड़क रही है। अब बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, खिड़की के पास बैठ के बारिश का मजा तो उठा सकती हूँ, वो भी चाय पीते पीते। वाह मेरी चाय बस बनी गई है, आज मैं खाऊंगी अपना इटर्नल फेवरेट बिस्किट विद माय टी, पार्ले जी। कभी सोचा नहीं था इस जगह पे बैठ के मैं अपनी चाय एंजॉय करूंगी। अब सिम्बू और मुझे दोनों को अपनी एनर्जी थोड़ी एक्सपेल करनी है ना, ये बाहर जा सकता है ना मैं बाहर जा सकती हूँ, कुछ तो टाइम पास करेंगे ना, इसीलिए इसी के साथ खेल के थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ और इसको भगाती भी हूँ, वॉक पे भी नहीं गया ना। चलो गिरो फेच, 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 और मैंने बर्तन ना साफ करने के चक्कर में एक ऐसी चीज बनाने का सोचा है जिसमें मेरा एक भी बर्तन गंदा नहीं होगा। कुछ भी, कुछ भी। क्या आप लोग सोच रहे हैं ऐसी कौन सी चीज हो सकती है और कैसे बनेगी? वेल फ्रेंड्स मैं सूप बनाने जा रही हूँ और वो भी अपने इस इलेक्ट्रिक सूप मेकर में। देखा है कभी इसमें सूप बनते हुए? नहीं। आज दिखाती हूँ। गाइस कुछ नहीं करना, ये सारे वेजिटेबल्स काट के बड़े बड़े पीसेस में चंक्स में मैं इसके अंदर डालूंगी सूप मेकर में। उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी, इसका ये ढक्कन लगाऊंगी, इसे स्टार्ट कर दूंगी और मेरा सूप बन जाएगा। लेट्स बिगिन। ये पता होना चाहिए कि सुबह से मैं इस चैलेंज के रूल्स के चलते इतना हल्का फुल्का खाना खा रही हूँ और कम कम खा रही हूँ। एक ही बार वॉशरूम जा सकते हैं, अभी तक नहीं गई हूँ, बट आई एम श्योर सूप पीने के बाद मुझे वॉशरूम ब्रेक लेना ही पड़ेगा। डिनर फिनिश और जैसा कि मुझे लगा ही था अब मुझे लेना पड़ेगा एक छोटू सा वॉशरूम ब्रेक, तो मैं यूं गई और यूं वापस आई। आप लोग कहीं मत जाना, ओके? आ गई। तो चलिए गाइस अब मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ और सोने की तैयारी करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी सोऊंगी, लैपटॉप है उसके ऊपर थोड़ा टाइम पास करेंगे। ये रहा मेरा नाइट सूट, मेरा फेस वॉश, मेरा चश्मा, मेरा टाल। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। अरे खिड़की के बाहर झांक लूँ, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, सब बहुत दूर है, अंधेरा है बाहर, फिर भी ना नीचे ऐसे झुक के कपड़े चेंज करूंगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
सो फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया, फेस वॉश कर लिया, अपना बिस्तर लगा लिया, साथ में लैपटॉप को भी रेडी कर लिया। मैं आज बिंज वॉच करने का सोच रही हूँ नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम। बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, आप लोगों ने देखा है क्या? मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा था देखने का, बट आज का चैलेंज ही सही। देखो, कॉकरोचों के डर से मैं तो सोने वाली नहीं हूँ, मैं तो पूरी रात जागने का सोच रही हूँ। इसीलिए इसके जो एपिसोड्स हैं, खत्म करते करते शायद सुबह हो जाएगी। सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 12 o'clock midnight. ये बहुत ही awesome सीरीज है, इसे देखने में मुझे मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे भूख लग गई है। अरे, डिनर में मैंने सूप पिया था सिर्फ, याद है ना आप लोगों को? क्या करूं, पॉपकॉर्न बना के लाती हूँ, मजा आ जाएगा। टडा गाइस, 2-3 घंटों का तो काम और हो गया। अगली अपडेट आपको दूंगी कम से कम 3 एपिसोड्स और देखने के बाद। सी यू। 3:28 AM. और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब देखा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं सोने का सोच रही हूँ। वैसे कॉकरोचों का डर भी थोड़ा भाग गया है, अभी तक नहीं दिखे तो कहाँ से ही निकलेंगे। मैं पेस्ट कंट्रोल कराती रहती हूँ अपनी किचन में, तो बस आई एम होपिंग कि कोई भी ना निकल के आए रात को। अब कुछ नहीं कर सकते, नींद आ रही है, लाइट ऑफ करूँगी, चादर तानूंगी और सो जाऊंगी। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने किचन चैलेंज सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया। अब नींद कैसी हुई, क्या हुआ, ये मत पूछना, बस चैलेंज फिनिश हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चली अपना आज का दिन शुरू करने। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा। बहुत गर्मी हो रही है किचन में अब।